समस्याओं को निवारण होगा, किस तरह से रहने वाला शिविर? उद्देश्य क्या है मुख्य रूप से? देखिए, आमतौर पे शिकायतें मिलती है किसानों का, ग्रामीणों का, कि हमारे छोटे छोटे काम हो नहीं पा रहे हैं, सीमांकन का हो, बटांकन का हो, नामांतरण का हो, तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हमारे पास आती है। अभी मैं कार्यभार ग्रहण किया हूँ तब से, तो इसके लिए मैं एक बैठक लिया था कि हमारे जो किसान हैं, ग्रामीण हैं, उनकी समस्या का समाधान हो। तो इसके लिए मैंने 3 लेवल का एक शिविर का निर्देश दिया था कि भाई RI लेवल पे जो अविवादित प्रकरण हैं, उन प्रकरणों का निपटारा पूरे प्रदेश में RI लेवल पे एक डेट पे हो। RI लेवल पे जो प्रकरण बच जाते हैं, निपट नहीं पाते, उसको तहसील स्तर पे करें। 1 सप्ताह के बाद तो जो प्रकरण बचा रहेगा तहसील में जाएगा, तहसील स्तर पे उनका आयोजन होगा और वहाँ सुनवाई होगी, निराकरण होगा। यदि तहसील स्तर पे नहीं हो पाते हैं तो उनको फिर अपन जिला स्तर में करेंगे। हमारा प्रयास ये है कि जो आम तौर से लोग बोलते हैं कि काम नहीं हो रहा है, पटवारी घुमा रहे हैं, तहसीलदार घुमा रहे हैं, तो किसानों के कार्यालय का चक्कर मत मारना पड़े और किसानों का काम त्वरित हो, इसके लिए हमने 3 स्तरों पर समस्या निवारण शिविर के आयोजन का निर्देश दिए हैं और उनका डेट भी तय हो गया है। हाँ, कार्रवाई करेंगे, दंडात्मक कार्रवाई होगी, अनुशासन अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। और हमने एक और अभी प्लान बना रहे हैं कि हम संभाग स्तर पे राजस्व के जो अधिकारी हैं उनका भी बैठक लेंगे। अपना शिविर वाला काम हो जाए, शिविर के बाद भी यदि ऐसा आता है कि किसान का काम नहीं हो रहा है, तो उनके लिए हम संभाग स्तर पे बैठक ले करके कड़ी निर्देश जारी करेंगे। हमारा प्रयास ये है कि देखिए, काम तो अधिकारी कर्मचारी को करना है और उसी लिए बने हैं और हम भी उसी लिए बने हैं कि लोगों का काम करें, समस्या का समाधान करें। तो हमारा सामूहिक प्रयास रहेगा भाई, अच्छे काम करेंगे तो शाबाशी भी मिलेगी, केवल ऐसा नहीं है कि उसकी कार्रवाई होगी, शाबाशी भी मिलेगी, तारीफ भी होगी उनकी। तो प्रयास यह है कि किसानों का काम हो, ग्रामीणों का काम हो, उनको सहूलियत हो, चक्कर मारना मत पड़े, हमारे पास बार बार आना मत पड़े। ये है, ये एक बड़ी उपलब्धता आने के बाद हुई कि 150 लाख मीट्रिक टन तक के धान की खरीदी हो रही है। जी जी, तो कैसे देखते हैं? और जो सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है विपक्ष के द्वारा कि 3100 कब मिले, तो कैसे देखते हैं बड़ी उपलब्धि? 3100 भी मिलेगी, विपक्ष परेशान मत हो, काम तो भारतीय जनता पार्टी हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है। जो कहते हैं वो करते हैं, ये हमारे मोदी जी का नारा है। तो देखिए, रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी हुई है, ये इस बात का द्योतक है कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली आ रही है, किसान समृद्ध होंगे और प्रदेश आगे बढ़ेगा। अवैध कब्जों से निपटने के लिए कोई प्लान है क्या? बिल्कुल, हमने निर्देश दिए हैं जो अवैध प्लाटिंग हो रही है, भूमाफिया हैं, इनके नामांतरण पर रोक लगाया जाए। देखिए, कांग्रेस से सभी दूर हो रहे हैं, अल्पसंख्यक की क्या बात है, वो तो केवल वोट की राजनीति की बात करते हैं और वोट बटोरने के लिए सब करते हैं, चाहे ST की बात करें, SC की बात करें, OBC की बात करें, किसी का भला नहीं किया है। भला किया है तो केवल नरेंद्र मोदी जी ही भला किया है, सबके लिए प्रावधान रखे हैं। अभी तो उनको लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, ये हालत हो गई है, मना रहे हैं कि लड़ लो लोकसभा चुनाव, हालत खराब है उनके। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।